इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, श्रद्धा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड एक दुर्घटना जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना बताई है। श्रद्धा हत्याकांड को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अंतर धार्मिक विवाह जो है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक धर्म को किया जा रहा टारगेट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है सामने आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा हत्याकांड पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का जो हत्याकांड है, श्रद्धा का जो हत्या की गई है वो एक दुर्घटना है, उसे सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति लोगों के द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं, सर्दियों में अंतर धार्मिक विवाह होते आ रहे हैं और एक धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। अशोक गहलोत के द्वारा बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके द्वारा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है और राजनीति जो है वो राजनीति की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। श्रद्धा हत्याकांड को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है और उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर जो है, एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आपके सामने है, आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रद्धा हत्याकांड को जो है एक दुर्घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बताई गई है। तो आपको बता दें, सर्दियों में अंतर धार्मिक विवाह होते आ रहे हैं, ये जो बयान है वो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। एक धर्म को लेकर जो है टारगेट भी किया जा रहा है, एक कौम को लेकर टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, देश को झंझोर देने वाली ये जो घटना है, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इस घटना को एक दुर्घटना उन्होंने बताया है, इस हत्याकांड को एक दुर्घटना बताया है, एक कौम को, एक धर्म को टारगेट करने का भी उन्होंने बयान दिया है।